करगिल के एक सब्जी मंडी के दुकान पे है, फ्रूट के दुकान पे है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ताज़ा फ्रूट जो है यहाँ पे अभी अवेलेबल है। एक तो चिल्ले कलान और 13 जनवरी आज डेट है यहाँ पे है। तो आपको अब बताते जाऊँ, इस साल जो है लद्दाख में जो है अभी तक बर्फ ही नहीं गिरा है। जोजिला हाईवे जो खुला है और करगिल में जो इस टाइम गर्मियों की तरह फ्रेश फ्रूट यहाँ पे मिल रहा है, तो एक तरफ यहाँ पे जो है यहाँ के लोगों में एक खुशी की बात है कि यहाँ पे विंटर में भी इनको ताज़ा सब्जी हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, किसी चीज़ का शॉर्टेज नहीं। दूसरी तरह यहाँ के लोग चिंतित भी है, अगर बर्फबारी नहीं हो गया तो आने वाले दिन में इनको खुशहाली होगा। यहाँ पे खेतीबाड़ी के लिए बहुत यहाँ पे लोगों को बहुत किल्लत होगा, पानी का किल्लत होगा तो लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो इसी तरह पूरा ग्लोबल वार्मिंग की तरह जो है चेंजिंग अब देखने को आ रहा है, क्योंकि हिमालयंस में जो है अभी ठंड ही नहीं पड़ रहे। यहाँ पे हमने लोगों से बात की कि ऐसा मौसम है जैसे अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर एंडिंग में जो मौसम होता है वो मौसम यहाँ पे है। तो लोगों को यहाँ पे खुशी भी है कि हर खाने पीने का सामान जो है जोजिला करने के, पता ही नहीं कि आज 13 जनवरी यहाँ पे। लेकिन साथ साथ लोगों को ये भी परेशानी है कि अगर बर्फ़ नहीं गिरा टाइम पे, अगर बर्फ़ नहीं गिरा तो आने वाले दिन में खुशहाली होगा, खेतीबाड़ी होगा। क्योंकि हमारे करगिल में जो है ज़्यादातर जो है किसान है यहाँ पे, खासकर जो खुबानी का जो पेड़ है उनके लिए पानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खुबानी है वो एक्सपोर्ट होता है, हिंदुस्तान की हर जगहों पर जाता है। तो उनको जो जितने भी जो किसान है, जो भी ज़मींदार है जिनके पास खुबानी का पेड़ है, वो खुबानी से ही 1-1.5 लाख रुपये कमाता है और उनका अपना रोज़गार चलता है घर का। लेकिन इस साल अजीब सा एक मौसम जो है यहाँ करगिल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग परेशान है, लोग खुश भी है और लोग साथ ही साथ चिंतित भी है कि बर्फ़ नहीं गिरा। तो हर जगहों पे जो है अमल हो रहा है, जिक्र हो रहा है, हर मस्जिद में हर इमामबाड़े में जो है बर्फ़ आने के लिए अमल कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि टाइम पे बर्फ़ पड़े और आने वाले दिन में गर्मियों में यहाँ पे पानी का किल्लत नहीं हो। करगिल का जो वेदर कंडीशन है वो एकदम अजीब सा वेदर कंडीशन है, क्योंकि अभी तक आज 13 जनवरी 2024 है, लेकिन अभी तक लोग एकदम खुले में ऐसे घूम रहे हैं जैसे कि जून जुलाई के महीने में घूमते हैं। तो अजीब सा मौसम है सर, पता नहीं किस वजह से, शायद ये ग्लोबल वार्मिंग का एक साइन हो सकता है जिस वजह से हिमालय पे अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ा है। सर अगर इस साल अगर बर्फ़बारी नहीं पड़ेंगे तो हिमालय रीजन में जैसे कि कारगिल है, लेह है, जैसे कि हिमाचल है, इन रीजन में पानी की बहुत किल्लत होने वाले है, लोग ड्रॉट का सामना करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होता है उनका मेन जो निर्भर होता है वो जो बर्फ़ के पानी जो ग्लेशियर से आए हुए पानी के ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन इस साल अभी भी जनवरी के महीने में अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ा है, जिस वजह से ग्लेशियर्स अभी भी शायद पिघल रहे, अभी भी दरियाओं का जो पानी के लेवल से वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से ड्रॉट का सामना करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो जिस वजह से लोगों का बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अभी तक जोजिला भी खुला है। जी सर, जी सर, जोजिला इस साल जोजिला तो खुला है, वो हमारे लिए एक नेमत है। लेकिन इसके साथ साथ जोजिला के साथ साथ यहाँ पे अभी भी देखो, अभी भी दुकानों पे हर तरह के फल देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ऐसे फल नहीं मिलते थे, ऐसे फ्रूट्स नहीं मिलते थे। इस साल फल तो है, लेकिन साथ साथ में लोगों को एक चिंतित है कि किस वजह से बर्फ़ नहीं पड़ रहा है, शायद ये ग्लोबल वार्मिंग का साइन है। यहाँ पे अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज़ हो रहा है, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं लोग, जिस वजह से बहुत हमारे वेदर पे बहुत इम्पेक्ट हो रहा है।